खबर गुना से है, जहां गुना में खाद लेने के लिए किसान लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं डीएपी की किल्लत के चलते कृषि उपज मंडी में किसानों की भीड़ टूट पड़ी है। घंटों कतार में खड़े रहने से बचने के लिए किसानों ने नया तरीका इजाद किया है। किसानों ने अपने दस्तावेज और अंग वस्त्रों को सड़क पर रख दिया है। एक के पीछे एक रखे गए दस्तावेजों की लंबी कतार किसानों की उपस्थिति दर्ज कराती है। वहीं गुना जिले में खाद की कालाबाजारी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं। वहीं खाद की किल्लत को लेकर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ने बताया कि जिले में डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किसी भी प्रकार की अफवाह से बचे। वहीं कृषि उपसंचालक अशोक उपाध्याय ने भी खाद की पर्याप्त मात्रा का हवाला दिया है। जिले में खाद की कालाबाजारी भी जारी है। बीते रोज तहसीलदार सिद्धार्थ भूषण शर्मा ने मार्की मऊ में एक व्यापारी के संस्थान पर छापेमारी करते हुए खाद जब्त की थी और व्यापारी को जेल भी भेजा गया था। गौरी शंकर है। कौन से गांव में आप रहते हैं? रामनगर में रहते हैं। यहाँ कब से आए हुए हो खाद लेने के लिए? यहाँ सुबह 5 बजे के नंबर से लग रहा है। तो अभी तक नंबर नहीं आया? नंबर नहीं आया, 3 दिन पहले चलेगा, रिटर्न होगा नहीं। अभी क्या बोल रहे हैं ये? अब इंतजार कर रहे हैं कि मिल जाए टोकन तो ठीक है, नहीं घर चले जाएंगे। और गुना जिले में विपणन संघ के जो 7 वितरण केंद्र हैं, यहाँ पर आज 2400 मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध है। इसके अलावा जिले में 40 सोसाइटियों में जो लोनी कृषक हैं उनके लिए भी डीएपी भेजा गया है और लगभग 200 टन डीएपी वहां पे उपलब्ध है। इसके अलावा प्राइवेट डीलरों के पास भी आज 500 मैट्रिक टन डीएपी वितरण किया जा रहा है। जिले की 15 सोसाइटियों से नगद वितरण की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा डीएपी की ब्यावरा रैक, शिवपुरी रैक कल और परसों में लगने वाली है। इसके अलावा गुना और अशोकनगर जिले के लिए 1 पूरी डीएपी की रैक 2 से 3 दिन में लगने वाली है। इस प्रकार जिले में डीएपी की कोई कमी नहीं है। किसान भाई घबराएं नहीं, अपने आवश्यकता अनुसार डीएपी उठाएं तथा किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें। और जिन किसानों को टोकन जिस दिनांक के जारी किए गए हैं, वो किसान उसी दिनांक में आके अपना टोकन देके और डीएपी खाद विपणन संघ के केंद्रों से उठाएं। अब की डेट उस टोकन पर डली हुई है कि किस डेट में आपको वहां से उठाना है, तो इस प्रकार से किसान उठाएं। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि कल दिनांक 22 तारीख को टोकन वितरण कार्यक्रम नहीं होगा, इसलिए कल ना किसान भाई आए, सोमवार को पुनः टोकनों का वितरण होगा, तो किसान भाई सोमवार को आए। धन्यवाद। आज डीएपी की उपलब्धता में पीओएस मशीन जो जिसके माध्यम से चलता है उसमें तकनीकी खराब पूरे प्रदेश लेवल पर होने के कारण आज बहुत सारे जगह पर खाद नहीं बटे हैं डीएपी के लिए। इसके लिए बिल्कुल किसान चिंता न करें। वर्तमान में हमारे पास होलसेलर में लगभग 1950 मेट्रिक टन है और 530 मेट्रिक टन हमारे पास रिटेल में अवेलेबल है। ऐसे करके लगभग 2500 मेट्रिक टन डीएपी हमारे पास खाद उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास 300 मेट्रिक टन शिवपुरी से, 200 मेट्रिक टन राजगढ़ पछोर से, उसके बाद 800 मेट्रिक टन अशोकनगर रैक से हम लोगों को मिल रहा है। तो ये लगभग 1300 मेट्रिक टन हमारे पास अतिरिक्त रहेगा 2500 मेट्रिक टन के से, जिसके माध्यम से हम लोग आप सभी किसानों को खाद की उपलब्धता रहेगी। हम लोगों ने खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 40 समितियों का चिन्हांकन किया है, जिसमें गुना में 11 समितियां रहेगी, बमोरी में 5 समिति, आरोन में 4, रावगढ़ में 3, चाचौड़ा में 6, कुंभराज में 6 और म्याना में 5। ऐसे करके कुल 40 समितियों के माध्यम से भी परसों से उनके समितियों के माध्यम से भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास जितने भी मार्केट के आउटलेट्स हैं, रिटेल एंड होलसेल आउटलेट्स हैं, वहाँ से भी बट रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास डीएपी की खाद की उपलब्धता पर्याप्त है।
एंड लगातार हमारे पास जैसे जैसे रैक मिलते ही जा रहे हैं हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि स्थल पर ज़्यादा भीड़ ना करें, हम सुनिश्चित करेंगे कि टोकन के माध्यम से ही बटेगा एंड प्रॉपर व्यवस्थित रूप से बटेगा, कृपया करके इसमें सहयोग करें, धन्यवाद। मेरा नाम सुनील है, नोनपुरा से आया हूँ। मैं सुबह 5 बजे आ गया था, अभी तक मेरे को ना टोकन मिला और मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं 25 तारीख का टोकन मिलेगा। कितनी ज़मीन है अपने पास? मैं 24 बीघा का खाता लेकर आया हूँ। कितने बजे से यहाँ बैठे हुए हो? सुबह 5 बजे से। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।